हेलो क्यूरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी फरवरी मंथ के हवाले से फर्दर एनर्जीज़ के लिए रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि क्वेरीज के लिए क्या मैसेजेस आते हैं मंथ ऑफ फरवरी में। कोई इसके लिए क्रेज के लिए क्या मैसेज होते हैं मंथ ऑफ फरवरी में। फर्स्ट कार्ड जो टेन ऑफ वॉन्ड्स है, सो टेन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी जिम्मेदारियों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपने आपको बिजी किया हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा वर्कलोड है आपके ऊपर, या अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क का बहुत ज़्यादा वर्कलोड है आपके ऊपर और अपनी जिम्मेदारियों पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, या फिर आप जिम्मेदारियाँ लेना चाहते हैं रिलेशनशिप की, या फिर आपको जिम्मेदारी लेनी होगी इस टाइम पर। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ सोर्स, तो आपने लाइफ में एक बहुत बड़ा जो प्रोसेस है उसको एंड करने जा रहे हैं। एक सिचुएशन है, एक प्रोसेस है जिसे एंड करने जा रहे हैं, कोई चीज़ एंड हो रही है, समथिंग इज़ एंडिंग हियर। बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो चुकी है चीज़, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो चुकी है, बस अब आप चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो बहुत ज़्यादा काम है, कुछ भी है, वो बस आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपकी लाइफ से निकल जाए, ख़त्म हो जाए। डेविल, डेफिनेटली एक अनहेल्दी सिचुएशन है जो जिसको आप इस वक्त फेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये सिचुएशन ख़त्म हो। अनहेल्दी सिचुएशन, अनहेल्दी रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप रहना नहीं चाहते और वो आपको जस्ट एक टॉक्सिसिटी दे रहा है, एक बाउंड्रीज दे रहा है आपको। आप उस रिलेशनशिप में होते हुए अपने आप को बाउंड महसूस करते हैं, अपने आप को अपने अब वो रिलेशन उस रिलेशनशिप को आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी रुकावट समझ रहे हैं इस वक्त। सो देखते हैं कि फर्दर मैसेजेस क्या हैं कोई इसके लिए। ओके, आपको प्रोटेक्ट करना होगा अपने आप को। कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस्टीरियस हैं इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, या फिर आप ये जो आपकी फीलिंग हैं आपने इनको मिस्टीरियस रखा हुआ है, इनको हिडन रखा हुआ है। आप इन फीलिंग्स को जो कि आपको महसूस हो रही हैं इस वक्त, वो आप अपने पार्टनर पे शो नहीं करें, या फिर आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये कोई मैजिक सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, लाइफ मैजिक सिचुएशन भी हो सकती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, डिवाइन हेल्प लें, किसी ऐसे पर्सन से हेल्प लें जो कि स्पिरिचुअल है, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हिडन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, सो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोगों की इविल आई आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं और पेनफुल हैं। आपको एक बाउंड्रीज में रखा हुआ है, लाइक न ज़रूरी बद भी होती है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि न ज़रूरी बद से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। यू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल आई, इविल आई से अपने आप को बचाने की आपको ज़रूरत है ताकि आप मूव फॉरवर्ड कर सकें अपनी लाइफ में। आपका जो आउटकम है वो है हर्मिट, सो डेफिनेटली आप अपने आप को उन लोगों से सेफ रखें, अलूफ और डिटैच रहें उन लोगों से जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ये एक लिटरली नुकसान पहुंचाने वाली भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये डेवलिक एनर्जी आपके साथ है, तो आपको अपने आप को डिवाइन से प्रोटेक्ट करना होगा, डिसीजन लेना होगा। और अगर आप एक रिलेशनशिप में रहते हुए बाउंड्रीज महसूस करें तो आपको एक वाइज डिसीजन लेना होगा, डिवाइन से हेल्प लेकर, लाइक मेडिटेट करें, प्रे करें, और ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके इस रिलेशनशिप के हवाले से कि आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए ऐसे रिलेशनशिप से जो कि आपको लाइफ में कुछ भी नहीं दे रहे। सो ये आपकी सिचुएशन है इस वक्त, आपको एक डिसीजन लेना है जो कि वाइस हो आपके लिए।
आपकी फर्दर लाइफ के लिए भी वो एक ऐसा मेच्योर डिसीजन हो जिससे आप या तो इस रिलेशन से मूव ऑन हो जाए या फिर डेवलिक सिचुएशन एंड हो जाए आपकी रिलेशनशिप से। लाइक आपके और आपके पार्टनर में म्यूचुअल कोलाब्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग और लव हो, ना कि अनहेल्दी बिहेवियर एक दूसरे के साथ हो। तो इससे आपको बाहर निकलना है। जैसे कि आपको मैंने कहा कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ की, अपनी लव लाइफ की, अपने ओवरऑल लाइफ की, तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए। आप प्रोटेक्शन खुद से हासिल करें, या तो डिवाइन की हेल्प लें या फिर जस्ट अपना डिसीजन बनाएं ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये सी थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेबरी। इफ इट्स यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन कमेंट ब्लू। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।